कमिश्नरेट सिस्टम, एक ऐसी प्रणाली जिसके बारे में लगातार इंदौर और भोपाल में काफी बातें की जा रही हैं। रिसेंटली इंदौर टॉक ने इस पर एक न्यूज टॉक भी किया था, जिसके बाद इंदौर में कई लोगों ने हमें कमेंट करके कहा कि एमजे सर से डायरेक्ट इस प्रणाली को और बेहतर तरीके से समझे। और इसलिए आज के इन्फो अनप्लग्ड में हम बात करेंगे मनमोहन जोशी सर से, जानेंगे कि क्या है ये पुलिस कमिश्नरी प्रणाली, इसके क्या फायदे जनता को मिलेंगे। मैं हूं मनस्वी और आप देख रहे हैं इन्फो अनप्लग्ड ओनली ऑन इंदौर टॉक। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इंदौर टॉक में। थैंक यू वेरी मच। सर, हमें काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हम पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम के बारे में आपसे बेहतर समझें, और इसलिए मैं सबसे पहले आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि आखिर किसी भी सिटी को इस सिस्टम की ज़रूरत कब और क्यों पड़ती है? जैसा कि सेक्शन 2M में लिखा हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट किसी ऐसे एरिया को जिसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा हो जाए उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर कर सकती है। और मेट्रोपॉलिटन एरिया की जब हम बात करते हैं तो उसके बहुत सारे प्रोविजंस हैं। इस बात को लेकर के हम चलते हैं सेक्शन 20 CRPC में। तो सेक्शन 20 CRPC में लिखा है, स्टेट गवर्नमेंट को एक पावर दे रखी है कि स्टेट गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के जो पावर होते हैं, सेक्शन 20 सबसेक्शन 5 ये कहता है कि पुलिस कमिश्नर को वो पावर दे सकती है। अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पावर क्या होते हैं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पावर होते हैं जो पहले कलेक्टर को दे दिए जाते थे। कलेक्टर क्या करता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कुछ शक्तियों का उपयोग करता है, जिसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 133 CRPC, 144 CRPC, और 133 से 144 तक सारे ही पावर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास हैं। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए 129, 130, 131, 132, 133 के पावर्स भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, सेक्शन 174 CRPC में इंक्वेस्ट, मतलब अगर किसी की असामयिक मृत्यु हो जाती है, जिसे कहा जाता है अननेचुरल डेथ, उस अननेचुरल डेथ के कॉज का पता करने के लिए भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट कर सकता है। तो हमारी CRPC एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को बहुत सारे पावर्स देती है, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का खुद का एक कोर्ट होता है। पब्लिक न्यूसेंस के मामले में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर्स होते हैं। पब्लिक न्यूसेंस क्या है, जैसे मान लेते हैं कि किसी को रैली निकालनी है, इससे लोगों को आने जाने में बाधा होगी, या किसी को समझ लीजिए लिकर दारू की दुकान कहीं खोल दी गई, उससे आम आसपास के लोगों को प्रॉब्लम होगी, या जैसे पार्किंग नॉन पार्किंग एरिया में कर देते हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम्स को ठीक करने की पावर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दी गई है सेक्शन 133 CRPC में। ये सारी की सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट जब निकाल करके कमिश्नर ऑफ पुलिस को दे देती है या पुलिस प्रणाली को दे देती है, हम कहते हैं पावर शिफ्ट हो गया और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पावर किसको मिल जाते हैं, पुलिस को मिल जाते हैं। इसे ही कहा जाता है कमिश्नरी सिस्टम या कमिश्नरी प्रणाली। तो सर, क्या ऐसे में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो पूरी तरह से पावरलेस हो जाते हैं, उनके सारे पावर्स क्या कमिश्नर के पास शिफ्ट हो जाते हैं? अब इस बात को ठीक से समझने की ज़रूरत है। जब हम कहते हैं DM या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और SDM या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तो ये दोनों ही पावर्स होते हैं। SDM का भी पावर है और DM का भी पावर है। ये कन्फर किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कलेक्टर या जॉइंट कलेक्टर या डेप्यूटी कलेक्टर पर। ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि जब हम जॉइंट कलेक्टर, डेप्यूटी कलेक्टर, कलेक्टर शब्द की बात करते हैं, तो ये पोस्ट होते हैं जो MP लैंड रेवेन्यू कोड 1959 के तहत लोगों को मिलते हैं। मतलब इस पद पर अपॉइंटमेंट होगा, नियुक्ति होगी। CRPC इन कलेक्टर या रेवेन्यू ऑफिसर्स पर पावर कन्फर करती है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में सबसे ऊपर होता है DM, उसके सबॉर्डिनेशन में होता है SDM, और उनके सबॉर्डिनेशन में होते हैं अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स। अब जब इनके पास से पावर निकल करके कमिश्नर को चला जाता है, तो इनके पास रेवेन्यू के पावर होंगे, ये रेवेन्यू ऑफिसर्स होंगे, रेवेन्यू कोर्ट में बैठेंगे, और एक्चुअली जो इनके पास क्रिमिनल केसेस के पावर थे, जो हमने कहे जैसे एग्जाम्पल के लिए एक बहुत बड़ा पावर होता है इनके पास में बाउंड ओवर करने का। CRPC में हम जाएं तो मैं दर्शकों को बता दूं, जिन्होंने आपको रिकमेंड किया कि सर से पूछिए, मैं उन लोगों को स्पष्ट समझाऊं कि CRPC में एक चैप्टर है, चैप्टर 8, जिसका नाम है, जो चैप्टर बना ही है पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन करने के लिए, लोक शांति को बनाए रखने के लिए। अब समझिएगा कितना खतरनाक पावर है। सेक्शन 107, 108, 109, 110, ये 4-5 सेक्शंस हैं जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर दे रहे थे। ये किसी भी व्यक्ति को कहीं से भी अरेस्ट कर सकते थे। और एक जो शब्द है बाउंड ओवर करना, इसका मतलब जैसे एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी हैबिचुअल ऑफेंडर है, पहले एक दो बार जेल जा चुका है, अब कल शहर में कोई बड़ा आयोजन होना है, मान लीजिए होली ही होनी है, तो उस आदमी को जिसने अभी कोई ऑफेंस नहीं कर रखा लेकिन पहले कभी जेल जा चुका है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अरेस्ट करवा सकता था। अरेस्ट करवा के अपने पास बुलवाएगा, उसको एक बॉन्ड भरने के लिए कहेगा, टर्म्स एंड कंडीशन होंगे कि भैया इस टर्म्स एंड कंडीशन को आप मानोगे। वो चाहे तो उससे जमानतदार, एक शब्द हम आम बोलचाल में यूज़ करते हैं, इंग्लिश में उसके लिए वर्ड है सियोरिटी मंगवाएगा कि एक आदमी को बुलवाओ जो तुम्हारी गारंटी लेगा। वो जमानत की शर्तें तय कर सकता है, और अगर ये आदमी जमानत भरने को तैयार नहीं है तो अधिकतम 3 साल के लिए उसको जेल हो सकती है। अभी उसने ऑफेंस नहीं किया, ध्यान रखिए,
सबसे खतरनाक बात है उसने ऑफेंस किया नहीं है। हम आगे चलते हैं सेक्शन 109 में, किसी भी आदमी को सस्पेक्शन में संदिग्धता के आधार पर अरेस्ट करके उसको जेल में डालने का अधिकार इनके पास में था 109 में। सेक्शन 108 कहता है कि अगर कोई आदमी सेडिशियस मैटर मतलब राजद्रोहात्मक बातें कर रहा है, देश के खिलाफ बातें कर रहा है, उसको गिरफ्तार कर सकते थे। और जो इनमें कहीं फिट नहीं आ रहा, 107 कहता है सीआरपीसी का, ऑफ एनी अदर रीजन, किसी भी कारण से उसको गिरफ्तार करवा सकते हैं। ये पावर्स एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास थे जो उनको अपने आप में बहुत पावरफुल बनाते हैं, किसी भी आदमी को कहीं से भी गिरफ्तार कर लेने के पावर। जब इनके पास ये पावर नहीं रह जाते तो ये सारे पावर कमिश्नर के पास आ जाते हैं। मतलब अब पुलिस ही कभी भी कहीं भी किसी को गिरफ्तार कर सकती है, जिसके लिए साधारण लोग चिंता जताते हैं कि पुलिस हो सकता है कि यहाँ से बेलगाम हो जाए। एग्जैक्टली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे था कि यदि सारे पावर्स हमने पुलिस के हाथ में दे दिए तो ऐसे में कई बार ये माना जाता है कि अब वो ओवर पावरफुल हो गए, और ऐसे में अगर वो कुछ गलत करते हैं तो उसके बैलेंस और चेक के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? अच्छा क्वेश्चन है ये। पुलिस ओवर पावर हो नहीं सकती है, पुलिस ओवर पावर हो जाती है। ऐसा हमने कई जगह देखा है पुलिस कमिश्नरी में कि पुलिस जो है अपने पावर्स का गलत उपयोग करने लगती है। इसके दो तरह से चेक एंड बैलेंस हो सकते हैं। एक तो जुडिशरी है, मतलब अगर मान लेते हैं पुलिस ने एक नियम हमारे पास है सेक्शन 167 सीआरपीसी रेड विथ सेक्शन 56-57, ये कहते हैं कि किसी भी आदमी को अगर अरेस्ट कर लिया गया है इंक्लूडिंग आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो भी कोट कर दूं, लिखा यह है कि किसी भी आदमी को अरेस्ट किया गया, किसी भी रीजन से अरेस्ट किया गया है, तो 24 घंटे के भीतर उसको मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाना होगा। अगर पुलिस ऐसा नहीं करती है तो कोई भी व्यक्ति सीधे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। सो, जैसे ही हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा तो डेफिनेटली उसको रेमेडी मिलेगी, तो जुडिशरी चेक करेगी। दूसरा काम है आप लोगों के पास में, जिसे हम कहते हैं मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, क्योंकि मीडिया जो है, प्रेस जो है, ये फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का। और जैसा कि सॉकल पेपर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मीडिया, प्रेस जो है वो प्रहरी है, तो आपको प्रहरी की तरह काम करना है। कहीं कोई गलत कर रहा होगा तो आवाज़ उठाइए, जनता की आवाज़ बनिए, और मुझे उम्मीद है कि ये चेक एंड बैलेंस का सिस्टम काम करता रहेगा। तो सर, क्या ऐसे में कोई ऐसा रास्ता, वे आउट नहीं हो सकता कि डीएम और पुलिस कमिश्नर दोनों के पास पावर्स हो, शायद जिसे हम ड्यूअल स्ट्रक्चर या ऐसा कुछ भी कहते हैं? देखिए, ऐसा ड्यूअल स्ट्रक्चर के प्रोविजन तो हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको, मैंने जैसे न्यूज़पेपर्स में पढ़ा था, मैंने कंप्लीट ऑर्डर तो नहीं पढ़ा है जो एमपी गवर्नमेंट लेकर आई है, मामा जी की सरकार, मैंने पढ़ा था कि कुछ जो चीज़ें हैं वो अभी कलेक्टर और एसडीएम के पास में कुछ पावर्स रहने दिए गए हैं, सारे पावर्स कमिश्नर को नहीं कन्फर किए गए हैं, तो किया जा सकता है कुछ चीज़ें उनके पास रहें, कुछ इनके पास रहें, पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये जो बाउंड ओवर करने वाली चीज़ है, मैंने सीआरपीसी के सेक्शन 8 के बारे में बताया, जहां सेक्शन 107, 108, 109, 110 में किसी भी आदमी को अरेस्ट करने के अधिकार पुलिस को दे दिए जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि पुलिस जो है, एक मुझे जोक याद आया, अगर मुझे अलाउड हो तो मैं सुनाऊं, अलाउड? ऐसा हुआ एक बार कि एक जंगल में एक हाथी भाग रहा था, तो सामने से एक लोमड़ी मिली। वो लोमड़ी उस हाथी को पूछती है, तुम भाग क्यों रहे हो? तो वो कहता है कि पुलिस जंगल में चूहे को ढूंढ रही है जिसने चोरी की है, उसके ऊपर आरोप है। तो लोमड़ी पूछता है, चूहे को ढूंढ रही हो, तुम तो हाथी हो, तुम क्यों भाग रहे हो? कहता है, अगर पुलिस ने मुझे पकड़ लिया तो ये साबित करने में जीवन चला जाएगा कि मैं हाथी हूँ, चूहा नहीं हूँ। ये एक छोटी सी मजाक है, छोटा सा कहानी है, लेकिन ये हमारे देश में पुलिस सिस्टम के बारे में बताता है कि किस तरह से काम किया जा रहा है। मुझे लगता है कि पुलिस को अपनी छवि बदलने की ज़रूरत है, और इन पावर्स के आ जाने के बाद एमपी पुलिस के पास ये पूरा मौका है कि अपनी छवि को बेहतर करें। जिस तरह से मध्य प्रदेश क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया बनकर के उभरा है, उसी तरह से पुलिस की जिम्मेदारी है कि भारत की सबसे अच्छी पुलिस जो पब्लिक वेलफेयर में काम करती है वो बन के उभरे और देश में एक नाम करे कि हाँ, यहाँ की पुलिस सबसे बढ़िया है। सर, एंडिंग में मैं आपसे ये कंक्लूजन में पूछना चाहूंगी कि आखिर किस तरह के सीधे फायदे इंदौर के या फिर भोपाल के नागरिकों को इस प्रणाली के आ जाने से होने वाले हैं? देखिए, फिलहाल जब कभी पुलिस कमिश्नर के पास पावर्स होते हैं तो आम नागरिक को फायदा अगर हम कहें तो सिर्फ इतना है कि पुलिस कमिश्नरी प्रणाली में पुलिस अगर ठीक से काम कर लेती है तो अपराधों पर रोक लगाई जा सकेगी। पुलिस का समय बचेगा, क्योंकि वो उनको जो है कलेक्ट्री के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। कब पुलिस कमिश्नर पुलिस हायरार्की का ही पार्ट है तो उनकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा अच्छे से होगी। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अपराध कम होंगे, उम्मीद की जानी चाहिए कि पब्लिक न्यूसेंस के मामले कम होंगे, उम्मीद की जानी चाहिए कि जैसे अपराधी जो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं या सस्पेक्टेड हैं, जिनके द्वारा ऑफेंस किए जाने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनको पकड़ करके अपराध को होने से रोका जा सकेगा। तो पूरी उम्मीद ये की जानी चाहिए कि पब्लिक वेलफेयर में पुलिस काम करेगी। और जैसा मैंने कहा, वापस से रिपीट कर दूं, एक बढ़िया मौका है मध्य प्रदेश पुलिस के पास में कि पूरे भारत भर में, दुनिया भर में मध्य प्रदेश पुलिस का नाम वो चमका सकें।
थैंक यू सो मच सर. आई होप हमारी जो ऑडियंस है जिन्होंने इतने टाइम से रिक्वेस्ट किया कि हम एमजे सर से इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करें, उन्हें अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. एक बात मैं कह देना चाहता हूँ कंक्लूजन से पहले, अगर हमारे पुलिस कमिश्नर साहब अगर इस आपके प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैंने देखा है बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी आपसे जुड़े हुए हैं, तो उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि वो मध्य प्रदेश के पहले पुलिस कमिश्नर बने हैं हरि नारायण चारी मिश्रा साहब, और उम्मीद करते हैं कि जिस उम्मीद की मैं बात कर रहा हूं उस पर आप और आपकी पूरी टीम खरी उतरेगी, और हम सब पूरी जनता तो आपके साथ हैं ही. मेरी ओर से आपको और आपकी पुलिस टीम को अनेक अनेक शुभकामनाएँ. तो आज के इन्फो अनप्लग्ड में हमने बात की एमजे सर से और जाना इंदौर और भोपाल में लागू हुई इस पुलिस कमिश्नरी प्रणाली के बारे में. इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लेकर आऊंगी आपके लिए इन्फो अनप्लग्ड में. देखते रहिए इंदौर टॉक.